दोस्तों, आज का ये काउंटडाउन बिल्कुल ही कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे हत्याकाइयों को जो कि बड़ी ही निर्दय तरीके से हत्या करते हैं और उनके दिल में रेहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 720, टॉप बैंगलोर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है बेंगलुरु, जहां पर एक हत्याकारी जो कि लड़कियों को बड़ी ही निर्दय तरीके से मार रहा होता है और उनके कपड़े उतार कर अपने ही घर में रख रहा होता है। लेकिन असल में वो हत्या क्यों कर रहा होता है एवं लास्ट तक उसका पुलिस किस तरह पहुंचती है और वो अपना कन्फेशन पुलिस के सामने किस तरह करता है, यही सारी चीज दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6 पर है द डायरी ऑन एफ अ सीरियल किलर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और एक सच्चे घटना पर आधारित है। सिर्फ इसकी स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जिसने अपने लाइफ में लगभग 44 हत्याएं कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकसूर मानता है और वो मानता है, मैंने जितने भी हत्याएं किया हैं मैंने उन सभी को मोक्ष दिया है। लेकिन सीरीज में देखने लायक है कि आखिरकार पुलिस उसे तक किस तरफ पहुंचती है और वह हत्याकांड लास्ट तक अपने गुनाहों को काबुल करता है या फिर नहीं करता है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। आईएमडीबी रतिनिधि है 10 में 6.3। नंबर 5, ओवंटो शंकर। सीरीज बेस्ट है डॉक्यूमेंट्री पर। सीरीज के कॉन्सेप्ट के बड़े में बात करें तो ये कंप्लीट श्री रावल में एक सच्चे घटना पर आधारित है। ओवंटो शंकर जो कि नॉर्मल एक ओवंटो ड्राइवर राहत है, लेकिन अचानक से ही वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं और क्राइम का रास्ता अपनाते ही वो एक खूंखार दरिंदा बन जाता है। वो बहुत सारे लड़कियों की हत्या करता है और बहुत सारे बेकर लोगों को भी मारता है। लेकिन सीरीज में देखने लायक है कि लास्ट तक पुलिस उसे तक किस तरफ पहुंचती है और उसे पुलिस किस तरह सजा देती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर। नंबर 4, थे रियूनियन। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और एक सच्चे घटना पर आधारित है। इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स से जो कि लगभग 10 साल के बाद फिर से एक जगह पर मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे घर में जाते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। उनके सारे दोस्त एक एक कर मरना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑल में इस मर्डर के पीछे छुपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है। इस पूरे वे सीरीज में सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं। ओरिजिनल पर इसे हिंदी और बंगाली दोनों लंच में रिलीज की गई है और इसे आईएमडीबी रेटिंग दे दी है ट्रेन में 8.2। नंबर 3, दिल्ली क्राइम सीजन 2। सीरीज बेस्ड है और डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी अगर हम बात करते हैं, ये कंप्लीट सीरीज एक सच्चे घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर चड्डी गैंग जो कि बूढ़े लोगों को मार रहा होता है और उनके घर में डकैती डाल रहे होते हैं। लेकिन असल में पुलिस उन तक किस तरह पहुंचती है एवं में कितने लोग रहते हैं, ये सारी की सारी चीज इस कंप्लीट सीरीज में खाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स। आईएमडीबी ने भी है 10 में 8.5। नंबर 2, अभय सीरीज बेस्ट है। एक्टिविटी को बाय सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किया गया है। चलिए इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो हर एक सीरीज में आपको नए नए क्रिमिनल और नए नए क्राइम नजर आने वाले हैं, और इस सीरीज में आपको ऐसे क्रिमिनल को देख पाएंगे जिसके बड़े में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल जो कि लोगों का दिमाग निकाल कर खा जाते हैं, तो कुछ ऐसे क्रिमिनल जो किसी बच्चों का मीट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही खतरनाक क्रश को अभय किस तरह सॉल्व करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे विश्व सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं C5 बार और IMDb रति है 10 में 8। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे, असुर सीरीज बेस्ट है क्राइम अलर्ट एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, सीरीज को किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के कलर को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि ये कलर जिसे भी मारता है वो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ही मारता है। लेकिन ऑल में वो ऐसे क्रैम्प्स को अंजाम क्यों देता है एवं वो लोगों को मारते वक्त सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी का ही सहारा क्यों ले रहा होता है, ये साड़ी की साड़ी चीज इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की सीजन 1 जबरदस्त हिट रही है और सीरीज की सीजन 2 बहुत जल्दी यानी कि 2024 में रिलीज की जा रही है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं भूत सिलेक्ट। आईएमडीबी है 10 में 8.4। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कम नाम पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।